फाइनल मीटिंग के लिए 3 बजे का टाइम था, लेकिन आज फ्रेंड के पास इससे टाइम भी था। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमने कोशिश करके फिर से छोटी डेट के लिए 9th ऑफ अक्टूबर को 3:30 बजे इसलिए फाइनल में। नमस्कार दोस्तों, इक्वल एमएसपी को लेकर अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जी हां, इक्वल एमएसपी को लेकर एक बड़ा जजमेंट यहां पर जारी कर दिया गया है। जी हां, पेंशन धारकों के हक में यहां पर फैसला आ चुका है। 15,500 इक्वल एमएसपी पर जी हां मोर लग चुकी है। सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ज़बरदस्त बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि आपको बता है कि आज हो चुकी है 9 नवंबर और आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जी हाँ हियरिंग चल रही है इक्वल एमएसपी को लेकर। तो उसी को लेकर जी हाँ बिल्कुल अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है जारी कर दिया गया है। क्या है पूरी अपडेट विस्तार से मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाली है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। आइए जानते हैं क्या कर क्या है पूरी अपडेट। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये दी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली की तरफ से यहाँ पर जो ये जजमेंट यहाँ पर जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जी हाँ यहाँ पर ये हमारे वकील हैं जो हमारा केस लड़ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ पर जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर जी हाँ वर्सेज में यहाँ पर ये यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR, यहाँ पर जी हाँ सरकारी वकील है जो सरकारी तरफ से इक्वल एमएसपी का केस लड़ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। जी हाँ, जैसा कि आपको बताया कि जो पिछली हियरिंग हुई थी 9 अक्टूबर को, जी हाँ वो हियरिंग पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, जी हाँ समय नहीं रहा था, तो उसको लेकर जी हाँ आज वो सुनवाई है और अभी भी जी हाँ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर की जो है हियरिंग चल रही है। यहाँ पर जो हमारे लाखों भूतपूर्व सैनिक है वो जी हाँ हाई कोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं अपना जी हाँ एक निष्पक्ष फैसला सुनने के लिए कि आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट को ये अच्छा फैसला सुना दे, आज हमारी जो इक्वल एमएसपी जो हम डिमांड कर रहे हैं 15,500 उस पर जी हाँ आखिरकार जो हाई कोर्ट उस पर वो मोहर लगा दे। तो यहाँ पर हमारे लाखों भूतपूर्व सैनिक जी हाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जी हाँ हमारे जो यहाँ पर लाखों भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जो हैं पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जी हाँ अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, जैसे कोई नई अपडेट आती है या फिर कोई बड़ी अपडेट आती है या फिर कोई बड़ा जजमेंट आता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, तो हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।